हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों आज का प्रश्न है मार्शल की अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, या प्रो मार्शल की अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। तो ये प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो आपका उत्तर होगा प्रो मार्शल। उत्तर में आपको हेडिंग डालनी है प्रो मार्शल। प्रो मार्शल ने कहा यह आपको हेडिंग डालनी है। इसके बाद आपको लिखना है अर्थशास्त्र सामान्य जीवन सामान्य जीवन या व्यापार में मानव समाज का अध्ययन है। अर्थशास्त्र सामान्य जीवन व्यापार में मानव समाज का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक के उस भाग का विश्लेषण करता है जो भौतिक संसाधनों या संधानों जो भौतिक संधानों की प्राप्ति तथा मानव कल्याण के लिए उसके प्रयोग से संबंध है। तो दोस्तों ये क्या है, प्रोमार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा है। तो देखिए क्या कहा है प्रोमार्शल ने, अर्थशास्त्र सामान्य जीवन व्यापार में मानव समाज का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रिया के उस भाग का विश्लेषण करता है जो भौतिक संधानों की प्राप्ति तथा मानव कल्याण के लिए प्रयोग में से संबंध है। तो दोस्तों बहुत ही आसान भाषा में क्या है, अर्थशास्त्र सामान्य जीवन व्यापार में मानव समाज का अध्ययन करता है। यानी अर्थशास्त्र सामान्य जीवन में व्यापार में एवं मानव समाज का अध्ययन करता है, ठीक है। इसके बाद यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रिया के उस भाग का विश्लेषण करता है, यानी उसके बारे में बताता है जो भौतिक संसाधनों की प्राप्ति तथा मानव कल्याण के लिए प्रयोग से संबंध है। तो दोस्तों इसके बाद देखिए दोस्तों, अन्य शब्दों में मार्शल परिभाषा
परिभाषा। देते हुए स्पष्ट किया किया कि अर्थशास्त्र मानव के सामान्य जीवन व्यापार का अध्ययन है के सामान्य जीवन व्यापार का अध्ययन है, या कह सकते हैं स्पष्ट किया कि अर्थशास्त्र मानव के सामान्य जीवन की वह किताब है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।